स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको क्लास 12th के चैप्टर 1 का प्रोजेक्ट दिखाया गया था और आपको 20 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया गया था। एंड यू कैन सी ऑल्सो आपका ही 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया भी हुआ है। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू प्रोजेक्ट ऑन विजयनगर एम्पायर। आज आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका विजयनगर एम्पायर पे है। तो आपको एक फाइल हम दिखा रहे हैं जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइल बनाने के लिए उन्हें पूरा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इन फाइल्स को देख करके उन्हें हेल्प मिल जाएगी। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये आपका सेकेंड बुक का चैप्टर है। जैसे कि बताया था मैंने, प्रोजेक्ट में आपको आभार यानी कि एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है, वैसे आप इसमें आभार लिखेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि चैप्टर में आपका मैप भी पॉसिबल है। जहां पे मैप पॉसिबल आपको बताया था मैंने, 3 मार्क्स आर देयर फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैप। तो अगर मैप है तो जरूर मैप दीजिएगा। ये बच्चे ने इसकी काल रेखा के बारे में दिया है, साथ में टाइमलाइन के साथ साथ इसने आपको मालूम है संगम, सुलभ, तुलभ, अरावीडू 4 वंश थे उनके बारे में भी दिया है। इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग द प्रोजेक्ट। विजयनगर साम्राज्य में आपको मालूम है जल स्रोत बनाए गए थे, जलाशय बनाए गए थे, जिससे कि जलापूर्ति की आसानी से की जा सकती थी। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी के बारे में आपने किया है, और कृष्णदेव राय जो कि आपके विजयनगर एम्पायर के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक थे। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंटेशन के आपके पास मार्क्स होते हैं। अच्छा प्रेजेंट करेंगे जितना, उतने ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। विजयनगर एम्पायर के समय में आपने देखा कि इनकी स्थापत्य कला बहुत अच्छी थी, बहुत विकसित थी, और बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था, बहुत सारे भवनों का भी निर्माण कराया गया था। तो आपको आसानी से इसके ऊपर पिक्चर्स भी मिल जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट उनके जो धार्मिक व्यवस्था थी, धार्मिक केंद्र आप देख सकते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर आप जानते हैं शिव जी का मंदिर था, और विट्ठल मंदिर विष्णु जी का मंदिर था। ये एक नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। मंडप क्या होता था, गोपुरम क्या था, ये सारे आपके वायवा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जब आप फाइल बनाएंगे तो प्लीज जरा जितना भी आप लिखते हो, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि फाइल में लिखा हर चीज के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते तो कम से कम एनसीईआरटी की पूरी किताब को जरूर पढ़ डालेंगे। ये लोटस महल आपका है, और तालीकोटा का युद्ध आपको मालूम है कि विजयनगर एम्पायर का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध के साथ ही 1565 में, जिसे कि हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो फाइल है, ये आप इसको बनाने में आपको कहीं ना कहीं कुछ मदद जरूर मिलेगी। या आपके बिब्लियोग्राफी यानी कि स्रोत के बारे में दिया है, कहाँ से आपको इसके लिए मटेरियल मिला है। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट में डाल सकता है। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी, ये प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।